हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है इट्स अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ योर कलर्ड हेयर। कलर्ड हेयर के लिए वीडियो करने का जो मेन रीज़न है वो ये था कि बहुत से क्लाइंट्स जब कलर करवा लेते हैं और उसके बाद दे कीप आस्किंग कि हमारे बाल तो कलर्ड से ड्राई हो गए हैं, हमारे बाल तो रफ़ हो गए हैं, शाइन नहीं रही। तो इसका जो आपका मेन रीज़न इसके पीछे आ रहा होता है वो ये होता है कि योर हेयर नो मोर वर्जिन, ठीक है, यानी उनके ऊपर उनको एक दफ़ा हमने केमिकली ट्रीट कर लिया है। अब आपका बाल जिस तरह से पहले वर्जिन था वो उस तरह से नहीं रहा क्योंकि हमने उसके ऊपर सर्टेन अमाउंट ऑफ केमिकल यूज़ कर लिया है, इसलिए उसकी फिर केयर भी उतनी ही अच्छी करनी पड़ती है। दो अमोनिया फ्री डाई भी एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर ये नहीं कि बिल्कुल अमोनिया नहीं होता, दे हैव वेरी लेस क्वान्टिटी, यू कैन से 5% और 10% अमोनिया होता है क्योंकि कलर की डेवलपमेंट या कलर की साइंस ऐसी है कि हमें कलर डेवलप करने के लिए अमोनिया की ज़रूरत है। और इस तरह से जो हम रेगुलर डाइज यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर हमारे पास अमोनिया है, नाइट्रोजन है, इस तरह के बहुत से हार्श हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इस तरह के बहुत से हार्श केमिकल्स हैं जो कलरेशन के अंदर यूज़ होते हैं जो कि बालों को ड्राई करते हैं। कलर्ड बालों की केयर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले तो आप उनको कम वॉश करें जितना आप उनको कम वॉश कर सकते हैं, क्योंकि जितना फ्रीक्वेंट आप उसको वॉश करेंगे उतना फ्रीक्वेंट आपका कलर फेड होगा। दूसरी चीज़ के आपको ड्राइनेस से और डलनेस से बचना है तो उसके लिए आपको कुछ सर्टन होम केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करनी होंगी। आपको अपना रेगुलर शैम्पू स्विच करना होगा, उसकी बजाय आपको प्रोफेशनल शैम्पूज़ के ऊपर आना होगा। मैं आज आपको ऐसे शैम्पूज़ रिकमेंड करूँगी जो कि कलर प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत पॉकेट फ्रेंडली भी हैं। बहुत सी प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आती हैं लेकिन क्योंकि वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए मैं आज आपको ऐसी प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूँगी जो आप आसानी से परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो बहुत इकोनॉमिक। एक अच्छा शैम्पू आपके बाल के अंदर शाइन लेके आएगा, उसके कलर को प्रोटेक्ट करेगा और बाकी जो है आप उसको मास्क कर सकते हैं। आप थोड़ा सा टाइम निकालें कि बालों की कंडीशनिंग करें, उनको मास्क करें। कंडीशनर और मास्क के अंदर ये डिफरेंस है कि मास्क जो है इट्स रिलेटिवली थिकर, जो कि आप ये समझ लें कि जैसे आपके पास डिफरेंट मॉइस्चराइज़र्स आते हैं उसी तरह से एक लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है और एक हैवी मॉइस्चराइज़र है। मास्क इसी तरह से आप ये समझ लें कि एक आपके पास हैवियर मॉइस्चराइज़र की टाइप आ रही है। अच्छा जी, तो जो अभी मैं आपको जो प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूँगी, वन इज़ बाय लॉरियल प्रोफेशनल सीरी एक्सपर्ट, इट्स विटामिनो, ये देखिए ये आपका शैम्पू है सीरी एक्सपर्ट का, साथ में आपके पास इसमें ये मास्क है विटामिनो का, कलर प्रोटेक्शन शैम्पू है, और साथ में हमारे पास ये ऑयल है, मिथिक ऑयल है, इट्स अ ड्राई ऑयल, इट्स अ लीव इन प्रोडक्ट। जब भी आप कलर करते हैं बालों को तो आप कोशिश करें कि आप लीव इन प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करें। सबसे पहले इसका जो यूज़ करने का है मेथड वो ये है कि आप शैम्पू करें अपने बालों को, जब बालों को आप शैम्पू कर लें उसके बाद बालों में से आप टॉवल ड्राई करके जितना भी आपका बाल के अंदर पानी है उसको स्क्वीज़ करें, टॉवल ड्राई करें और उसके ऊपर आप मास्क की क्वांटिटी लगा दें जितनी आपके बालों के लिए इनफ है। जब आप मास्क यूज़ करेंगे तो आपने ये माइंड में रखना है कि आपने रूट्स के अंदर अप्लाई नहीं करना। जैसे ही आप रूट्स के अंदर अप्लाई करेंगे वो आपके बालों को रूट्स को मॉइस्चर जाएगा और रूट्स आपके ऑयली होके आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है, इसलिए आपने जो मास्क है या कंडीशनर है आपने उसको सिर्फ लेंथ और एंड्स के ऊपर अप्लाई करना है। जब आप लेंथ और एंड के ऊपर अप्लाई कर लें उसको मिनिमम 10 मिनट्स दें, 10 मिनट्स देने के बाद आपने उसको रेगुलर पानी से या सिंपल पानी से आपने उसको रिंस कर लेना है, यानी उसको फिर आपने बीच में कोई और प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी। जब आप मास्क रिंस कर लें 10 जब बालों को आप टॉवल ड्राई कर लें उसके बाद आपने उसके ऊपर ये मिथिक ऑयल लगा देना है। और ये जो सारा पैकेज है इसकी राउंड अबाउट प्राइस 7500 बनती है अप्रॉक्सीमेट, जो कि आपके पूरे मंथ के लिए आपके जो आपका इतना एक्सपेंसिव डाई है, जो आपने 20-25 हज़ार में आपने अपना डाई लिया हुआ है, ये 7000 की प्रोडक्ट्स आपके डाई को लॉन्ग लास्ट करवा सकती हैं। जो रेगुलर शैम्पूज हैं वो इस वजह से रिकमेंड नहीं करते स्टाइलिस्ट, क्योंकि उसके अंदर कास्टिक है, पैराबिन है, उसके अंदर आपके और बहुत से ऐसे हार्श केमिकल्स हैं जो कि बालों के कलर को फेड करते हैं और ड्राइनेस लेके आते हैं। हमारे पास लॉरियल प्रोफेशनल की प्रोडक्ट्स, अगर आप इससे भी कम रेंज में जाना चाह रहे हैं फिर उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आती हैं
they are by Cune So Pure. I love these products. इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है. और ये आपकी कलर प्रोटेक्शन में और बालों की जो आपकी है, आपके लिए इंटेग्रिटी है, उसके लिए ये बहुत बहुत अच्छे हैं. और इतना ही आपके ये पॉकेट फ्रेंडली हैं. ये आपके इसमें मैं आपको डिफरेंट प्रोडक्ट शो कर रही हूँ, लेकिन जो आपको प्रोडक्ट यूज़ करनी है दैट इज़ अ शैम्पू एंड अ कंडीशनर, सिंपल. लेकिन ये जो बाकी है ये आपको मैं जो ट्रीटमेंट शो कर रही हूँ दैट्स वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा रफ है. तो ये चीज़ हमारे पास है रिकवर शैम्पू एंड रिकवर कंडीशनर. सिंपल आपने उसी तरह से यूज़ करना है. द कंडीशनर इज़ लीव इन. इसका जो रिकवर का हमारा कंडीशनर है दैट्स लीव इन. इसके बाद आपको किसी सीरम की या किसी भी और प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं रहती है. इसी तरह से हमारे पास एक इनकी रेंज आ रही है दैट इज़ मॉइस्चराइजिंग. मॉइस्चराइजिंग की जो रेंज है उसके अंदर हमारे पास इसका जो कंडीशनर है इट्स इन अ क्रीम फॉर्म. ये आपको रेंज करना पड़ेगा. और ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं इट्स मास्क. इसको आप डेली यूज़ ना करें, आप इसको वंस इन अ वीक यूज़ कर लें, ट्वाइस इन अ वीक यूज़ कर लें. और जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट है इट्स ओवरनाइट रिपेयर. ये भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बिल्कुल एक आप ये कह लें कि एक मिरेकल है इस प्रोडक्ट में. अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, डैमेज है, ब्रेकेज बहुत ज़्यादा है, आप इस प्रोडक्ट को ओवरनाइट अप्लाई करें. बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी और ये बिल्कुल बालों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी. आपको ग्रीसीनेस फील नहीं होगी. ये जब आप बालों पर अप्लाई करेंगे तो आपने सेम उसी तरह से लेंथ और एंड्स के ऊपर. जब मैं लेंथ और एंड्स की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि आपका बाल का ये इससे एंड तक का पोर्शन. बिल्कुल आपने इसके अंदर रूट्स को इंक्लूड नहीं करना. इसको आप लगा के सो जाएं, पूरी रात लगे रहने दें बालों में. उसके बाद अपने आप सोपे और के ही शैम्पू से आप उसको वॉश करें, कंडीशनिंग करें और उसके बाद आप मास्क लगा दें. ये भी आपके बालों का मॉइस्चर जो है उसको रिटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. तो ये दो मेरी फेवरेट प्रोडक्ट्स थी जो मैंने आपको बताई. आप इसके अलावा आपके पास मार्केट में ऐसी रेंज भी है जो 10,000 15,000 से लेकर 20,000 की है. लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये दे आर वर्थ बाइंग. आपके पॉकेट फ्रेंडली भी हैं, इकोनॉमिकल भी हैं और आपके जो है आपको रिजल्ट्स भी देंगे. प्रोफेशनल शैम्पूस और कंडीशनर का जो मेन पर्पस होता है वो ये है कि ये आपके बाल के बॉन्ड के ऊपर, बाल के बॉन्ड के रिपेयर के ऊपर काम करते हैं. आपके बाल को स्ट्रेंथ करता है. जो आपके पास रेगुलर ड्रग स्टोर शैम्पू है वो आपके बाल को सिर्फ उसका काम क्लीन करना है. इसके अलावा ना वो आपके बाल को नरिश करेगा, ना वो आपके बाल को मॉइस्चराइज करेगा, ना वो आपके कलर को प्रोटेक्ट करेगा. लेकिन जितनी आपके पास ये कलरिस्ट रेंज या आपके पास ये प्रोफेशनल सीरीज आ रही होती हैं किसी भी ब्रांड के अंदर, चाहे वो लॉरियल हो, चाहे वो क्यूने हो या कोई भी अदर ब्रांड हो, चाहे रेवलॉन हो, जितनी भी आपके पास रेंज आ रही होती है उसके अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स और ऐसे इन प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपके कलर को लॉन्ग लास्ट करवाते हैं, साथ साथ मॉइस्चर भी देते हैं, साथ साथ आपके बॉन्ड रिपेयर के ऊपर भी काम करते हैं और साथ में आपके कलर को प्रोटेक्ट करते हैं, लॉन्ग लास्ट करवाते हैं और आपके बाल के अंदर शाइन भी आते हैं. सो नेक्स्ट वीडियोस इंशाल्लाह आपको इसी तरह से बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए करते रहेंगे. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.